अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस पेपर वन के आउटलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट को, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पॉलिटिकल एलाइट, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है। तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द फ्रेमवर्क विद इन विच अ सोसाइटी ऑर्गेनाइज इट्स गवर्नेंस, they include the legislative, executive, judiciary, political rights and civil and military bureaucracy. So each of these institutions plays a crucial role in functioning of the government. siyasi idare aur hukumat ka kirdar aaj ka hamara topic hai aur siyasi idare is framework ki tashkeel karte hain jiske andar ek muashra apni hukumat ka intizam karta hai aur unme qanoon saaz assembly, intizamiya, adliya, siyasi ashrafiya, civil military bureaucracy shamil hoti hai. unme se har ek idara hukumat ke kaam karne mein kirdar ada karta hai. Then a legislature, yani legislature is the branch of the government responsible for making laws. It represents the interest of the public and plays a key role in shaping policy. Yani kanoon saaz assembly hukumat ki wo shaakh hai jo qawaneen banane ki zimmedar hai, jo awam ki mafadat ki numaindagi karti hai, policy ki tashkeel mein bahut ahem kirdar ada karti hai. Phir kanoon saaz assemblyon ke functions hain, yani law making, representations, oversight, budget approval. To isme jo kanoon saaz assembly hai, wo kanoon saaz कानून का मुसवदा तैयार करते हैं और इन पर बहस करते हैं और वोट देते हैं जो माशरे के पर नाफिज होते हैं. फिर रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि नुमाइंदगी है, कानून साज अपने हल्के की राय और मफादात की नुमाइंदगी करते हैं. और फिर निगरानी है, तो ये एग्जीक्यूटिव शाख की कार्रवाइयों की निगरानी करते हैं और उनका जायजा लेते हैं ताकि जवाबदही को यकीनी बनाया जा सके. फिर बजट अप्रूवल है, यानी कि बजट की मंजूरी, कानून साज असम्बली अमूमन कौमी जो है वो बजट की मंजूरी का अख्तियार रखती है, जो अवामी फंड्स के खर्च करने के तरीके का तयन भी करती है. अब लेजिस्लेचर्स की टाइप्स हैं बाई कैमरल एंड यूनी कैमरल, यानी कंपोज ऑफ बाई कैमरल कम्पोज ऑफ टू चैम्बर्स, फॉर एग्जाम्पल यूएस कांग्रेस विद द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द सेनेट, एंड द यूनी कैमरल कंसिस्ट ऑफ सिंगल चैम्बर, फॉर एग्जाम्पल नेशनल असम्बली इन सम कंट्रीज. तो कानून साज असम्बली के इकसाम में है बाई कैमरल, यानी दो ऐवानों पर मुश्तमिल, मसलन अमरीकी कांग्रेस जिसमें नुमाइंदगान की ऐवान और सेनेट शामिल है, और दूसरी है यूनी कैमरल, यानी एक ही ऐवान के ऊपर मुश्तमिल, मसलन कुछ मुल्क में कौमी असम्बली है. फिर है एग्जेक्टिव. एग्जेक्टिव को हम डिफाइन करेंगे कि एग्जेक्टिव ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज. इट इज हेडेड बाई द प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर डिपेंडिंग ऑन द कंट्री पोलिटिकल सिस्टम. यानी इंतजामिया की वो शाख कवानीन को नाफिज और अमल दरामद करने की जिम्मेदार है, इसकी क्यादत सदर या वजीर आजम करते हैं जो मुल्क की निज़ाम के ऊपर मुनसर है. अब एग्जेक्टिव के फंक्शंस होते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉरेन रिलेशंस एंड नेशनल डिफेंस. अब जो इंतजामिया के अफाल है, यानी पॉलिसी के नफाज, इंतजामिया जो है वो इन कवानीन और पॉलिसियों को नाफिज करती है जो कानून साज असम्बली ने मुतय्यन किए होते हैं. फिर उसके अंदर इंतजामिया अमूर हैं, यानी ये हुकूमत की एजेंसियों और अवामी खिदमात का इंतजाम करती है. अब फॉरेन रिलेशंस हैं, लाइक जो बैन अक्वामी तालुकात हैं, इंतजामिया रियासत की नुमाइंदगी करती है और बैन अक्वामी मामलात में और माहदे करती है. फिर उसके बाद नेशनल डिफेंस है, कौमी दिफा, यानी ये फौज की निगरानी करती है और कौमी सलामती को यकीनी बनाती है. अब एग्जेक्टिव का स्ट्रक्चर, यानी कि है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट आता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कैबिनेट आती है. जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी रियासत का सरबराह, वो सेरेमोनियल लीडर होता है, अलामती रहनुमा होता है, जैसे बादशाह या सदर. और जबकि जो हुकूमत के सरबराह होते हैं वो रोज़मर्रा के इंतजाम की जिम्मेदारी रखने वाला रहनुमा होता है, यानी अक्सर वज़ीर आज़म होता है. और कैबिनेट मशीरों या वज़ीरों का एक गिरोह होता है जो मुख्तलिफ महकमों की क़यादत करता है, मसलन सेहत है, तालीम है. उसके बाद आता है तीसरा इदारा जुडिशरी का. जुडिशरी इज़ द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस. यानी अदलिया हुकूमत की वो शाख है जो कवानीन की तशरीह करती है और इंसाफ की फरहमी की जिम्मेदार होती है. अब जुडिशरी के फंक्शंस आते हैं लीगल इंटरप्रिटेशन, डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू. यानी लीगल इंटरप्रिटेशन जो है, यानी कानून की तशरीह, जजेस कवानीन की तशरीह करते हैं, उन्हें अपराधी मुकदमात में नाफिज करते हैं. फिर तनाजात का हल है उनकी जिम्मेदारी, यानी अदलिया अफराद तंजीमों और हुकूमत के दरमियान तनाजात हल करती है. फिर है अदलिया का काम हकूक का तहफ़ करना, अदालतें शहरियों के हकूक की तहफ़ करती हैं उनके और इंसाफ को यकीनी बनाती हैं. इसके अलावा अदालती नज़रसानी भी उनका काम है. बहुत से निज़ामों में अदलिया के पास कवानीन और एग्जेक्टिव इकदाम का जायजा लेने का अख्तियार होता है ताकि उनकी आनी हैसियत का तयन किया जा सके. फिर जुडिशरी के स्ट्रक्चर में आता है सुप्रीम कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स, हाईएस्ट कोर्ट्स विच हैज़ द फाइनल से इन लीगल मैटर्स, मीन सुप्रीम कोर्ट.
अलतरीन अदालत जो कानूनी मामलों में आखिरी फैसला करती है, फिर निजी अदालतें हैं, इनमें अपील की अदालतें और मुकदमात के समाप्त करने वाले अदालतें शामिल हैं जो मुख्तलिफ सतहों के मुकदमात संभालती हैं। उसके बाद आता है पॉलिटिकल एलाइट्स। पॉलिटिकल एलाइट्स एलाइट्स आर इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्स दैट होल्ड सिग्निफिकेंट पावर इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। यानी सियासी अशराफिया उन अफराद या ग्रुप को कहा जाता है जो सियासी फैसला साजी में अहम ताकत और असर व रसूख रखते हैं। अब पॉलिटिकल एलाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है वेल्थ एंड रिसोर्सेज, सोशल कनेक्शंस, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। जो दौलत और वसाइल हैं उनके पास अक्सर इक्तसादी ताकत होती है जो उन्हें सियासत पर असरअंदाज होने की इजाज़त देती है। फिर है सियासी अशराफिया के पास यानी अक्सर मजबूत नेटवर्क होते हैं जो उन्हें ताकत हासिल करने और बरकरार रखने में मदद देते हैं। फिर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मालूम तक रसाई, यानी उनके पास ऐसी मालूम और इलम होता है जो पॉलिसी के फैसलों को तश्कील दे सकता है। अब रोल ऑफ द पॉलिटिकल एलाइट्स हैं पॉलिसी फार्मूलेशन, पॉलिटिकल पार्टीज इन पब्लिक ओपिनियन। अब पॉलिसी की तश्कील, यानी अशराफिया अक्सर अवामी पॉलिसियों की तश्कील और तजवीज़ करने में अहम किरदार अदा करती है, और पॉलिटिकल पार्टी सियासी जमातें जो हैं वो अमूमन सियासी जमातों की क़यादत करते हैं और उन पर गहरा असर डालते हैं, उनके प्लेटफॉर्म जो हुकूमती अमलों की रहनुमाई करते हैं। फिर अवामी राय है, यानी सियासी अशराफिया मीडिया और वकालत के जरिए अवामी राय को तश्कील दे सकते हैं। फिर पांचवें नंबर पे है सिविल ब्यूरोक्रेसी। सिविल ब्यूरोक्रेसी क्या है इसको डिफाइन करेंगे। सिविल ब्यूरोक्रेसी रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट इंप्लीमेंट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। यानी सिविल ब्यूरोक्रेसी इस इंतजामी निज़ाम को कहते हैं जो हुकूमत की पॉलिसियों को नाफिज करती है और अवामी खिदमात फराहम करती है। अब फंक्शंस हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी के, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेटरी फंक्शंस, एडवाइजरी रोल। कवानीन का नफाज, यानी ब्यूरोक्रेट कानून से असम्बलियों के मंजूर करदा कवानीन को नाफिज करते हैं। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये अवामी वसाइल और खिदमात के अंदर इंतजाम करते हैं जैसे सेहत और तालीम है। फिर रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी कवानीन को मौसर तरीके से नाफज करने के लिए कवायद और जवाबित बनाती है। फिर एडवाइजरी रोल उनके किरदार में आता है, यानी मशावरती किरदार। ब्यूरोक्रेट्स मुंतखब अहदे इदारों को पॉलिसी के अमूर पर यानी माहिर राय और मशवरे भी देते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी का, जिसमें डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज हैं, यानी डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो मुख्तलिफ हुकूमत के महकमे मखसूस शोबों पर तवज्जो देते हैं जैसे सेहत है, तालीम है। फिर एजेंसियाँ हैं, यानी मखसूस जो एजेंसीज हैं उनको संभालने के लिए खसूसी एजेंसियाँ जैसे मौलियाती तहफ़ या नकल हमल है। उसके बाद है मिल्ट्री ब्यूरोक्रेसी। मिल्ट्री ब्यूरोक्रेसी क्या है, वट इज़ मिल्ट्री ब्यूरोक्रेसी। मिल्ट्री ब्यूरोक्रेसी रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द आर्म फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी। यानी जो कौमी दिफा है मुल्क को बैरूनी खतरा से तहफ़ फराम करती है और अमन बरकरार रखती है। अब इसके फंक्शंस में आता है नेशनल डिफेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस गैदरिंग, ट्रेनिंग एंड डिवेलपमेंट। मिल्ट्री ब्यूरोक्रेसी कौमी दिफा सबसे अहम है, इसका फंक्शन यानी मुल्क को बैरूनी खतरा से तहफ़ फराम करना, अमन बरकरार रखना, बहरान का इंतजाम, कुदरती जो आफात हैं या कौमी बहरान हैं जैसे हंगामी हालात का जवाब देती है। तो इसके अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग, यानी मिल्ट्री कौमी सलामती से मुतालिक मालूमात जमा करती है और तज्जिया करती है। फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है इसके अंदर, यानी फौजी अहलकारों की तैयारी और महारत की तरक्की को यकीनी बनाती है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर है मिल्ट्री ब्यूरोक्रेसी की, कमांड स्ट्रक्चर और ब्रांचेज ऑफ द सर्विसेज। सो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन विद रैंक्स, फॉर एग्जांपल जनरल, कॉलोनल एंड सर्जेंट, एंड ब्रांचेज ऑफ सर्विसेज डिफरेंट ब्रांचेज लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ईच फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक रोल। अब फौजी अहलकारों की तैयारी और स्किल्स की तरक्की में यकीनी बनाना होता है। और फिर मिल्ट्रोक्रेसी की जो यानी कि स्ट्रक्चर है उसमें जो है कमांड स्ट्रक्चर है, यानी दर्जबंदी के साथ हिराकी तंजीम और जो अक्सर रैंक जैसे जनरल, कर्नल, सिपाही में होती है। और इसके अलावा ब्रांचेज ऑफ सर्विस है, यानी सर्विस की शाखें मुख्तलिफ शाखें जैसे फौज, बहरिया, फिजाइया, मखसूस के इदारों के ऊपर यानी कि तवज्जो इनकी होती है। सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पॉलिटिकल एलाइट्स, सिविल ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी प्ले वाइटल रोल इन गवर्नेंस। ईच इंस्टीट्यूशन हैज इट्स डिस्टिंक्ट फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज, सो वर्किंग टुगेदर टू इंश्योर द इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी। यानी जो सियासी इदारे हैं इसमें कानून साजी शामिल है, इंतजामिया, अदलिया, सियासी अशराफिया, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिल्ट्री ब्यूरोक्रेसी, ये हुकूमत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और हर इदारे के अपने मखसूस अफाल होते हैं, अपने मखसूस जिम्मेदारियाँ होती हैं जो मिलकर एक मुआशरे के मौसर इंतजाम और इंतजाम की यकीन दहानी के लिए काम करते हैं।
इन इदारों को समझना ये समझने के लिए जरूरी है कि हुकूमतें किस तरह से काम करती हैं, हाउ गवर्नमेंट्स ऑपरेट एंड हाउ दे इंपैक्ट द लाइव्स ऑफ द सिटीजंस, और ये शहरों की जिंदगी पर किस तरह असरअंदाज होती हैं। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।